ओके okay, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन आशीष इन सब में से क्या दिया हाँ। वैसे आपके हिसाब से सबसे एक बार आपने ऐसा सवाल उठाया तो एक बार नज़र डाल लेते हैं मानसून होगा हाँ गए <laughs> नहीं हाँ। क्योंकि देखिए जो मैं आज एक थीम लेके चल रहा हूँ वो है भारत टू ट्राइम ओवर इंडिया ठीक है अच्छा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो बहुत लोग कहीं पर ना ट्रोल करना शुरू कर दें तो क्योंकि यहाँ से वैसे वो भी एक फैक्टर है लेकिन यहाँ से इकोनॉमी के दो बड़े ट्रिगर हैं ठीक है पहला ट्रिगर एक वो है जो ऑब्वियसली सेकंड फोर्थ जून को क्लियर हो जाएगा वैसे बहुत हद तक क्लियर है अगर आप प्रदीप गुप्ता जी को सुने तीन चार दिन पहले उन्होंने कहा कि कोई उनको खास फर्क दिख नहीं रहा है दो से 24 के फेजेस में तो पहला ट्रिगर तो ये होगा कि एनडीए थर्ड टर्म में आ रहा है अब वो पच्चीस सीटें ज़्यादा लेकर आए या पच्चीस सीटें कम लेकर आए उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता वो सिर्फ़ एक हवा बनाने की बात होती है कि चार सौ चाहिए तीन सौ अस्सी चाहिए तीन सौ सत्तर चाहिए तीन सौ बीस भी आ गई तो हो गया काम ठीक है ना गवर्नमेंट बननी चाहिए मेन चीज़ ये तो वो पहला ट्रिगर और दूसरा ट्रिगर मानसून वैसे भी एक चीज़ कहते हैं तो दो दिन पहले मार्केट में बड़ी रैली हुई थी कि मुंबई में जब पहली बारिश होती है तो मार्केट में बड़ी रैली आती है ये एक पिछले 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जब से मैं मुंबई आया मैंने नोटिस किया ये और ये इस बार यह है कि मानसून नॉर्मल रहेगा प्लस टाइम से टाइम से मानसून का आना और नॉर्मल रहना ये दोनों चीज़ें अगर हो गई तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोनाजा होगा बोनाजा होगा हो। और इसमें एक चीज़ पर ध्यान रखें आप रूरल डिमांड आप उठा के देख लीजिए मार्केट पिछले एक साल का ये मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है एम एन एम देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्ट्स देख लीजिए फॉर एग्जांपल ठीक है आप सारे के सारे ट्रैक्टर ट्रैक्टर से बड़ा कोई थीम नहीं है ये शक्ति पंप रोटो पंप ये सब क्यों भाग रहे हैं इस तरीके से और एक चीज देखिए ज्यादातर रूरल एक्सपोजर वाली कंपनियां क्या कह रही हैं हमने कितने टाइम के बाद डाबर मेरिको जैसी कंपनियों को डिस्कस है जिनको हम भूल गए थे कि ये कंपनियाँ एग्जिस्ट भी करती हैं इनने सबने इस क्यूफोर में अच्छे नंबर दिए हैं ठीक है हीरो मोटोकॉप सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग टू व्हीलर स्टॉक्स में से एक रहा है हीरो मोटोकॉप हीरो मोटोकॉप की सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वो रूरल प्रेजेंस है कोलगेट डाबर इन सब ने बात की है कि रूरल में एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है लीवर ने आगे बोला है कि पहली बार उनको रूरल मार्केट में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं कोलगेट ने यह बोला है कि इस बार शहरों से ज्यादा गाँव में ग्रोथ है मतलब ये कितना बड़ा एक ट्रेड कोलगेट जैसी कंपनी के लिए जो ये बात बोल रही है बर्जर पेंट्स जिसने एशियन पेंट्स को आउट परफॉर्म किया है इस बार वो कह रहा है कि इस बार रूरल में थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट के करीब की वॉल्यूम ग्रोथ रही है श्रीराम फाइनेंस ने कहा है कि रूरल में बहुत अच्छी ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रॉग है ये सिर्फ मार्केट के लिए नहीं ये इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ठीक है मार्केट देखिए चलता रहता है कभी पाँच परसेंट करेक्ट हो गया दस परसेंट करेक्ट हो गया इकॉानमी इंप्रूव होनी चाहिए इकॉनॉमी अच्छी रहनी चाहिए और रूरल इकानमी अच्छी होनी चाहिए और एक और चीज़ वेल्थ जो है ना वो जो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना वहाँ पर अगर वेल्थ थोड़ा बढ़ेगी तो वो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और इंटर्न स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा हमारी मार्केट में जो एक चीज अच्छी है जिसको लेकर मैं काफ़ी बोलिश रहता हूँ अमेरिका में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका में हम चाहते हैं कि लोगों की नौकरियाँ जाएँ हम मतलब मार्केट क्या चाहती है कि हाँ, खराब खबरें आए कि खराब खबर अच्छी खबर है अमेरिका में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ देखिए जब जी रिकॉर्ड हाई पे होता है जब इस तरीके के रिकॉर्ड आते हैं तो हमारी मार्केट खुश होती है ठीक है ना क्योंकि वो इनहेरेंट इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताती है हमारी मार्केट को फ्री मनी की ज़रूरत नहीं है जो मार्केट फ्री मनी पे भाग रहा होता है ना उसको ज़रूरत होती है कि इन्फ्लेशन कम आए उसको ज़रूरत होती है कि लोगों की नौकरियां कम बढ़ें उनको उसको वेजेस कम बढ़ें हम तो चाहते हैं कि लोगों की नौकरी अच्छे रहे वेजेस ज़्यादा बढ़ें दो हजार तीन से सात का वो फेज था जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़े थे इंडिया में ठीक है hmm. हमारी ई एम आई किस तरीके से बढ़ती थी लेकिन उससे तीन गुना हमारी सैलरी हाइक होती थी, थी. Hmm. तो इसके लिए हम खुश होते थे हमको पता था कि यार कोई टेंशन नहीं है तो ये कभी भी इकॉनमी में ना इस तरीके के जो फेजेस आते हैं वो बेस्ट होते हैं जिसमें लोगों की इनकम बढ़ रही होती है सबसे इंपॉर्टेंट फेज मार्केट वही होता है और ये एक बहुत अच्छी चीज है तो मैं सोचा कि आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और दिखना शुरू हो चुका है वैसे सही में भारत वर्सेज इंडिया इस बार एफ की कमेंट्री वाकई सबने एक एक जबान सब एक ही तरफ से बात करते रहे रूरल की खैर आगे और भी बाजार में बातचीत होनी है अब आइए जरा आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ संकेत अच्छे हैं गुरुवार का दिन है एक्सपायरी का दिन है और शुरुआत अच्छी होगी गांधीनगर से क्यूज आ रहे हैं नब्बे सौ पॉइंट के आसपास का एक गैप मिलने की तैयारी वैसे हम अकेले ऐसा नहीं करने वाले कुछ पूरी दुनिया ऐसे ही है एशिया दिखाइएगा स्क्रीन पे अक्रॉस एशिया इसी तरह की मजबूती है बल्कि एक शेड बेहतर होगी हमसे ये देखिए सारा एशिया बढ़िया मूव दिखा रहा है और वो इसीलिए क्योंकि यूएस से हैंडओवर बढ़िया मिला कल जब एशिया कल जब हम ट्रेड कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे अपने इन्फ्लेशन प्रिंट का फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे और एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं यूएस का कल तीनों बेंच इन्फ्लेशन का प्रिंट उनके बाजार खुलने से पहले आया और उसके बाद तेजी स्टॉक मार्केट में तीन चौथाई से डेढ़ परसेंट तीनों बेंचमार्क्स मजबूत और आज सुबह के फ्यूचर्स भी और दिखा रहे तो मजबूत है तो पहले वो समझ लें वो इन्फ्लेशन का प्रिंट था कैसा उसे समझना उसे डी करके उस पर रिएक्ट करने की अब हमारी बारी है आंकड़ा उसके अंदर का डोप और उसके अलावा भी क्या करने कैसे है आज की ग्लोबल दिख तो सब बढ़िया रहा है, है भी आ, बहुत बढ़िया है तो यूएस के जो नंबर्स थे इन्फ्लेशन के रिटेल इन्फ्लेशन के सी पी आई जिसको बोलते हैं पॉइंट थ्री परसेंट अप्रैल में बढ़ा है तो रन रेट उम्मीद ऐसा लगा डर लग रहा था कि पॉइंट फोर परसेंट बढ़ेगा लेकिन वो पॉइंट थ्री परसेंट बढ़ा है बावजूद इसके कि पिछले महीने का ही जो डब्ल्यू है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है पी वो ज़्यादा बढ़ा है उन्नीस से ज्यादा बढ़ा था उसके बावजूद सी हमारा नीचे आया यूएस का तो बहुत इंटरेस्टिंग था साढ़े तीन परसेंट साढ़े चार परसेंट के रेंज में अगर ये रहता है तो एक कंफर्ट जोन ये दे रहा है फिलहाल क्योंकि ट्रजेक्ट्री फिर नीचे की तरफ होगी तो ये एक बहुत बढ़िया था इससे मार्केट ने क्या क्यों लिया कि डब्ल्यू ऊपर था लेकिन सी हमारा नीचे आया है तो रेट कट की उम्मीदें बढ़ती हैं क्यों उसके सपोर्ट में दो और फ्रिक्वेंसी वाले डेटा हैं जो इससे एकदम कोरिलेट करते हैं रिटेल सेल्स की ग्रोथ गिरी अभी कल ही वो भी डेटा आया है कंजम्पशन का डिमांड गिरा है और इसके अंदर जब आप जाएंगे जो इन्फ्लेशन बढ़ाने वाले दो तीन फैक्टर होते हैं उसमें घरों की कीमतों में नरमी आई है 5.7 से अब फाइव पॉइंट परसेंट हो गई है इसके साथ ही जो नए व्हीकल्स हैं उनमें माइनस पॉइंट वन से अब माइनस पॉइंट फोर हो गया है और यूज्ड और कार और ट्रक जो जब वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ाने वाले होते हैं वो माइनस टू पॉइंट टू से माइनस सिक्स पॉइंट नाइन हो गए यानी लगातार उसमें डिक्लाइन है इसलिए सस्टेंड बेसिस पे आगे जाने की संभावना है तो जैसे ये नंबर आया तुरंत लोगों ने अपना कैलकुलेशन लगाया और ये कह दिया कि अब दो रेट हाइक की उम्मीद बन गई है और फेड के गवर्नर साहब ने चेयरमैन साहब फेड चेयरमैन ने पिछले दिनों ही इन्होंने बावजूद इसके डब्ल्यू पे बढ़ा था ये कहा था कि हमें तो लगता है नंबर मिक्सड हैं हॉट नहीं है इसलिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है तो संकेत पूरे दिखे दिख रहे हैं कि बारह जून की कमेंट्री सॉफ्ट होगी और रेट कट के लिए माहौल फिर से बनेगा अब पॉलिटिकल रीज़न हो या जो भी हो लेकिन कटेगा इसका असर हुआ बॉन्डियल नीचे आ गई 4.32 पे डॉलर इंडेक्स 104 पे तो सारी चीज़ें इन प्लेस हो गई और ये रैली सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं रही है ग्लोबल मार्केट की रैली है वर्ल्ड में सियाई इंडेक्स एक परसेंट ऊपर है स्टॉक्स 600 यूरोप का इंडेक्स से ऊपर है सब जगह तेज़ी बनी है और आई ने उसमें डेफिनेटली लीड किया है और एस ने तिरपन पार कर दिया बहुत पहली बार ये हुआ है और अब बहुत तेज़ी से वो उस तरफ जा रहा है जो शायद साल भर के टारगेट हमको लगता है पहले रेट कट से पहले पूरे होने की संभावना है तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है जापान का जी आया था वो लगातार चौथी क्वार्टर में नेगेटिव गया है पॉइंट फाइव परसेंट नेगेटिव में तो वो भी एक संकेत है एशियन मार्केट के लिए लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रांग और तेज़ी वाला संकेत है अब आपको चूकना नहीं चाहिए ठीक <laughs> है ज्यादा चुनाव की चिंता मत करो ज्यादा चिंता नहीं करने का खैर ग्लोब के ग्लोब के से हैंड बहुत बढ़िया मिलता हुआ अच्छी तेजी अच्छा मूड बना हुआ है हाँ बस ये है कि अब फेड को मूव करने के लिए ये इनफ लीवर नहीं है पर ये म्यूजिक टू ईयर्स जरूर है यहां से ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो तैयारी कर लेगा फेड भी खैर आज वैसे यूएस के दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वो जॉब्स रिलेटेड इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे कल सुबह उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे वैसे ही भारत वर्ष इंडिया से याद है देसी का जलवे वो हल्दीराम बिकने के लिए खड़ा है सात आठ बिलियन डॉलर के वैल्यूशन और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स बी लाइन लगा के खड़े हुए हैं ये देसी के जलवे प्रोडक्ट बहुत अच्छे उसके <laughs> लेकिन ठीक है। अब अच्छा से से चाहेजेस का जोन हो वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई थोड़ी बहुत और करा लार्जली ये पिछले दो तीन जो आपने मिस आउट करा उस पर सेशन की रीडिंग क्या है हमारा पहले तो ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है आपको इस समय आप खड़े हुए थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन आशीष वैसे एक चीज़ बताऊँ आपने बात की ना हल्दीराम की हाँ. इंडिया में ना इतने डोमेस्टिक ब्रांड्स जो लोकल ब्रांड्स हैं ना वो इतने स्ट्रॉग है फॉर एग्जाम्पल अगर आप रतलाम चले ले जाए हाँ. वहाँ पर गेलेडा करके एक ब्रांड है हाँ. वो उसकी वो सेब बना रतलामी है। सेव रतलामी हुँ। सेव ठीक है तो अगर आप वो अगर उसको अनब्लॉक डाल दें ना वही आराम से निकाल देगा अपने वैल्यूकेशन भारत में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वैसे आई डोंट थिंक उन लोगों को खुद पता है कि हम उनकी वैल्यू कितनी है एक्चुअली ठीक है कर anyway, एनी वो एक अलग स्टोरी है चलिए अब सेटअप पर आते हैं ये सेटअप में एक चीज़ जो लगातार रही है जितना एफ आई शॉर्ट करते हैं उतना मार्केट रैली करता है कल भी एफ आई एस की हालांकि सेलिंग कम हो गई है वो जो छः छः सात सात हज़ार करोड़ की सेलिंग आ रही थी एफ आई एस की वो थोड़ी कम हो गई है आ, दो हज़ार आठ सौ करोड़ के करीब सेलिंग आ गई तीन हज़ार आठ सौ करोड़ डी आई एस ने बाय किया इंडेक्स फ्यूचर्स में एक नवी भी, भी सेलिंग है करीब करीब 2000 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में ये बाहर से आपके स्क्रीन पर लगातार एफ आई एस की सेलिंग है डी आई एस की बाएँगे ये तो खैर अब हम यूज़ टू हो चुके हैं ठीक है इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्नीस सौ सड़सठ करोड़ ऑलमोस्ट दो हज़ार करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में अट्ठाईस सौ करोड़ की सेलिंग और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बराबर बराबर सेलिंग है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में आठ सौ करोड़ निफ्टी में करीब करीब साढ़े ग्यारह सौ करोड़ की सेलिंग है और ट्रेंड अगर आप देखें लगातार चार पाँच दिन का नेगेटिव ही रहा है ट्रेंड लेकिन ट्रेंड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लॉन्ग और शॉट्स अच्छा अब लॉन्ग और शार्ट्स में मैं एक चीज़ बता देता हूँ ये थोड़ी सी हमको एडजस्टमेंट करनी होगी अब इसमें पहले जब हम इसको देखते थे लॉन्ग शॉट को तो उसमें इंडेक्स का जो लॉट साइज़ था वो उसके मुकाबले पर लॉट साइज़ हाफ़ है तो अब जब हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं डेढ़ लाख लॉन्ग और चार लाख शॉर्ट अगर पिछले एक तरीके से देखा जाए तो पचहत्तर हज़ार लॉन्ग और करीब करीब दो लाख शॉर्ट ठीक है तो जो चेंज है उसको भी इसी तरीके से देखें थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगी इसमें इसके लिए मैं वो लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट नहीं ले रहा हूँ उसको हम एडजस्ट करेंगे उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे एक्सेल में मैंने वीरू को ही बोला है उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे ताकि लाइक टू लाइक डेटा प्रेजेंट हो सके अब टेक्निकली नेट शॉर्ट्स जो हैं अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पंद्रह हज़ार लॉन्ग कम हुए सोलह हज़ार शॉर्ट एड हुए प्यारो तो परसेंटेज देखें परसेंटेज तो नॉर्मल रहेगा परसेंटेज वाइज हम ट्वेंटी सेवन पर आ गए लेकिन जो माइनस टू फोर्टी फाइव है ना ये हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आप देखेंगे तो माइनस वन ट्वेंटी टू है हिस्टोरिकल एविडेंस जो हम हिस्टोरिकली कहते हैं ना डेढ़ लाख शॉर्ट पे हम पीक होते हैं वो उस हिसाब से है, तो उसको उस हिसाब से आप देखें लेकिन फिर भी सत्ताईस परसेंट लॉन्ग मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं अभी भी इंडिया विक्स अभी भी बीस के ऊपर है इलेक्शन के बाद इंडिया विक्स को होगा ठीक है अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, है? <laughs> और पी जो है वो जीरो पर है यहाँ पर अभी भी स्कोप है एक चीज जो बस मुझे डरा रही है वो है बैन का आंकड़ा बैन का आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा है मतलब कल कितने आड़ हुए कल चार स्टॉक आड तो हुए बायोकॉन ग्रैन्यूल्स इंडिया सीमेंट और एल हाउसिंग और ऑलरेडी कितने बलरामपुर चीनी बिरला सॉफ्ट जी हिंदुस्तान कॉपर आइडिया पी सेल और जी बारह मतलब इलेवन प्लस वन ठीक है पूरी टीम बन गई हमारी और बैन से निकला नहीं कोई भी स्टॉक तो थोड़ा सा मिड कैप मार्केट ओवरबॉट है लेकिन लार्ज कैप में मुझे लग रहा है अभी भी स्पेस है ठीक बात ये है आज का ट्रेड सेटअप अब समझते हैं पहले तो अब निफ्टी की स्ट्रैटी कल जहाँ से ठंडे पड़े थे आज का गैप वहीं वापस ले जा रहा है तो अब कितना चैलेंजिंग सिनेरियो है अप्रोच क्या रखें फिर क्या आउट करें स्क्रीन पे समझ लिया आज एक्सपायरी भी है क्या करना है देखिए एक चीज़ है कल निफ्टी भले ही हाई पर बंद नहीं हुआ था लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें ना पिछले तीन दिन का निफ्टी का जो लो है वो प्रीवियस डे लो से डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट ऊपर है तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर वह वही चीज़ कंटिन्यू करी कल बाईस एक सौ पचास का लो था तो उसमें अगर आप डेढ़ सौ सवा सौ डेढ़ सौ पॉइंट ऐड कर लें तो आज अगर हम जहाँ खुले अगर वही लो रहा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक ही जोन है वॉचआउट करने का निफ्टी आज खुलेगा मेक और ब्रेक जोन में और वो जोन बहुत छोटा सा है वो है बाईस दो से बाईस तीन बाईस दो सौ पचासी पर आपका ट्वेंटी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है जिसकी हमने बात की कि इसके ऊपर अगर बंद होने शुरू हुए तो करेक्शन ऑफिशियली ख़त्म होती है और बाईस तीन सौ चौंतीस आपका ऑप्शन का जोन है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है बाईस तीन सौ का जो कॉल राइटर है वो बाईस तीन सौ चौंतीस तक सेफ है तो बाईस तीन सौ चौंतीस के ऊपर तो बाईस दो सौ पचासी से बाईस तीन सौ चौंतीस का जो जोन है ना आशीष ये मेक और ब्रेक जोन है और इस जोन में आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ फंसने का डर है अगर मार्केट को गिरना है ना वो इसी जोन से गिरेगा लेकिन अगर इस जोन में नहीं गिरा मार्केट और इस जोन के ऊपर सस्टेन हो गया क्योंकि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है यहाँ पर मुझे लग रहा है जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे बाईस दो सौ पचासी से बाईस तीन सौ चौरासी के के जोन में लेकिन अगर आप बाईस तीन सौ चौंतीस के ऊपर अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि बाईस तीन सौ पैंतीस आए और आपने बाय कर लिया मतलब इसके ऊपर आप पंद्रह मिनट टिक गए अगर बाईस तीन सौ चौंतीस के ऊपर तो इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी जो आपको एक बार के लिए बाईस तक भी लेके जा सकती है बाईस के ऊपर तो बाईस के ऊपर अगर आप टिके तो एक पॉसिबल है कि जो है इवन बाईस पॉसिबल है अगली लाइन प्लीज़ तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो बाइस जोन कहाँ पर है आपका बाईस दो से बाईस दो किसी भी कारण से अगर आपको मिल जाए तो और एक स्टॉप लॉस लगेगा बाईस एक का ये पहली अप्रोच है या फिर दूसरी अप्रोच बाईस तीन सौ चौंतीस के ब्रेकआउट का वेट करिए बाईस तीन सौ चौंतीस निकल जाए तो मोमेंटम बाजी से तो ना ट्रेन में बस कूद जाइए उसके बाद और उसमें फिर आप कॉल्स के थ्रू ट्रेड करें उसके बाद आप कॉल्स के थ्रू ट्रेड करें या तो बाईस दो सौ से बाईस दो सौ पचास के जोन की वेट करें पेशेंटली वो मिल जाए तो वहाँ पर एंट्री करें बाईस एक सौ पचास के स्टॉप के साथ या फिर आप वेट करें बाईस तीन सौ चौंतीस के ब्रेकआउट का उसके ऊपर पंद्रह मिनट टिक जाएँ तो बाईस चार सौ की कॉल बाईस चार सौ पचास की कॉल जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से ट्रेड करें लेकिन ट्रेड लॉन्ग साइड पर ही है शॉर्ट साइड पर ट्रेड नहीं है क्योंकि शॉर्ट साइड वाली ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है जो पिछले हफ्ते प्ले आउट हुई थी सेलोन रैली की ट्रेड वो हमने अच्छे से प्ले की थी अब हमारी ट्रेड जो है वो बाय ऑन डिप्स की है और एक बार अगर ट्वेंटी डे एमा को हमने रिक्लेम कर लिया और उसके ऊपर बंद हो गए वो ऑफिशली करेक्शन का एंड होगा उसके बाद मार्केट में फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट होगी बिल्कुल ठीक ये है अब हमारा निफ्टी पे फ्रेश अप्रोच आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा भटका भटका सा है और निफ्टी के जो कॉन्स्टिटुंट निफ्टी में मदद कर रहे हैं वो एक्स ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स हैं कोई रिलायंस परसों मदद कर रहा था कोई लास्ट एंड टूब्रो परसों और कल मदद कर रहा था कोई भारतीय एयरटेल जंप कर गया कोई महिंद्रा महिंद्रा मदद कर रहा था ये सब बैंकिंग कॉन्स्टिटुएंट है ही नहीं तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस सा है आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी बैंक को लेकर क्या अप्रोच रखना है इस पॉकेट में आज बस हो गया एक्सपायरी का दिन कल खत्म इसके लिए देखिए आशीष इवन छुट्टी पे जाने से पहले छुट्टी हाँ। तो बोल रहा हूँ मतलब फूड निफ्टी पे बातचीत हम निफ्टी थे, थे, पर हाँ। बात करते थे बैंक निफ्टी पे ये व्यू था कि बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं है मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो एच बैंक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है मैंने एक वो रील ली थी एच बैंक के ऊपर वो पंकज त्रिपाठी वाली एच डी एफ सी बैंक का इन्वेस्टर कैसे फील करता है वो बोलता है कि मुझे लाइफ में है चाहिए। क्यों भागना चीजों के पीछे ठीक हाँ, हाँ, में वो मूव नहीं आ पा रहे तो इस बेटर निफ्टी में इंडिविजुअल स्टॉक्स को अप्रोच करें ठीक है क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है हाँ एक्सपायरी वाले दिन जैसे कलिया परसों का ट्रेड थी लेकिन वैसे अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें और स्ट्रांगस्ट स्टॉक्स पर फोकस करें स्ट्रॉगस्ट स्टॉक्स कौन से कोटक इस समय कोटक में अच्छी स्ट्रेंथ है जब से नंबर्स आए उसके बाद कोटक में एक बॉटम बना आई बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है देखिए कल कोटक डे हाई पर बंद हुआ जबकि एच डी एफ सी बैंक डेलो पर बंद हुआ आई बैंक कल डे हाई पर बंद हुआ एक्सिस बैंक में रीजनेबल स्ट्रेंथ है नंबर्स भी अच्छे थे एक्सिस बैंक के और एस तो अगर बैंकों में आपको फोकस करना है तो आप ये कुछ स्टॉक्स पर फोकस करिए और अगर द वे मानसून अच्छा रहा और अगर ये गवर्नमेंट वापस आ गई ना एस आपको हज़ार रुपये का रेट हो जाएगा दो महीने में फोर डिजिट स्टॉक हो जाएगा तो ये इन इन चीज़ों पर ध्यान रखें आप इन पर फोकस करें अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो एक नंबर वॉच आउट कर लें फोर्टी एट थाउजेंड थर्टी एट ट्वेंटी डे एक्सपोन मूविंग एवरेज यहाँ से करीब करीब चार सौ पॉइंट दूर है लेकिन क्या बैंक निफ्टी से चार सौ पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन दिक्कत वही है बैंक निफ्टी में इस समय कि एक आध स्टॉक के वीकनेस से ना बहुत इम्पैक्ट आ जाता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको ये इसको फोकस में रखने वाला हूँ बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल सही करो एस बी आई के आप पिछले तीन दिनों से आवास के टॉप कॉल्स में एस शुमार हो रहा है और समीकरण सही रहे तो ये बढ़िया बड़ी, बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है राहत रखिएगा खैर ये निफ्टी बैंक के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट ज्यादा इंपॉर्टेंट राधा निफ्टी बैंक पे कुछ स्ट्रैटेजी बनाने से